प्रदेश के उन्नाव में जमानत पर रिहा होकर आए गैंगरेप के दो आरोपियों ने गुरुवार तड़के पीड़ित युवती को जला दिया। पुलिस ने युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा है, जहां डॉक्टरों ने लखनऊ के ट्रामा सेंटर में उसे रेफर कर दिया है। पीड़ित को आग की घटना को पांच आरोपियों ने अंजाम दिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें शिवम त्रिवेदी, उसके पिता रामकिशोर शुभम त्रिवेदी, उसके हरीश शंकर और उमेश वाजपेयी शामिल है। पुलिस के मुताबिक घटना बिहार थाना क्षेत्र के हिंदू नगर की है। गुरुवार तड़के गैंगरेप मामले की सुनवाई के लिए पीड़ित रायबरेली कोर्ट जा रही थी। ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जाते वक्त रास्ते में पहले से बैठे दोनों मुख्य आरोपी शुभम और शिवम त्रिवेदी ने अपने उनके तीन साथियों के साथ युवती को घेर लिया। इसके बाद उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि पीड़ित की हालत गंभीर है, वह 90% जल चुकी है। युवती ने बयान में आरोपियों के नाम बताए हैं। पुलिस ने बताया कि शुभम और शिवम गैंगरेप मामले में दो दिन पहले ही जेल से जमानत पर रिहा होकर आए थे। रायबरेली कोर्ट के आदेश पर रेप का केस दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित को सरकारी खर्च पर हर संभव चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। प्रदेश सरकार मामले की पैरवी कर शीघ्र न्याय दिलवाएगी। योगी ने मामले में कमिश्नर और डीआईजी से आज शाम तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। इसी साल मार्च में युवती ने गैंगरेप की एफआईआर दर्ज करवाई है। युवती ने बताया था कि गांव के रहने वाले शिवम त्रिवेदी से उसका प्रेम संबंध था। शिवम ने उसका रायबरेली ले जाकर रेप किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद लगातार रेप करता रहा। शादी का दबाव बनाया तो रायबरेली ले जाकर एक कमरे में रख दिया, जहां नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद 12 दिसंबर 2018 को आरोपी शिवम अपने साथी शुभम त्रिवेदी के साथ आया। दोनों मंदिर में शादी कराने के बहाने ले गए और गैंगरेप किया। बिहार पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी शिवम त्रिवेदी और शुभम त्रिवेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला अपराध पर केंद्रित एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, कल देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ साफ झूठ बोला कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। हर रोज ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोष होता है। भाजपा नेताओं को भी अब फर्जी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह से असुरक्षित हो गया है। जो लोगों की रक्षा करने के लिए हैं, वही लोग भी शामिल हो जाते हैं। ये उन्नाव में तो जो एक्यूज थे उन्होंने किया, लेकिन कल ही चित्रकूट में पुलिस चौकी में, पुलिस सहायता केंद्र में, जो महिलाओं के लिए पुलिस सहायता केंद्र है, वहां महिला गई तो उसके साथ रेप किया पुलिस ने। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का चलना मुश्किल है। पुरुषों का भी ये है कि आज जिंदा है तो कल रहेगा कि नहीं, ये हालत पैदा हो गई। ये माहौल इस तरह का है, संविधान के अनुकूल व्यवस्था चल नहीं पा रही है, संविधान तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया है। देखिए, ये तो जो है लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और क्योंकि सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की नियत जो है ना, वो क्रिमिनल्स को के खिलाफ कार्रवाई करने की नहीं है। और इसलिए हमने उस दिन संसद में भी कहा था कि अगर घटना हो तो उसको जो है राजनीतिक उससे नहीं देखना चाहिए। रेप चाहे उन्नाव में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे कठुआ में हो, चाहे मुजफ्फरनगर, कहीं भी हो। अब क्या होता है कि राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उसकी परिभाषा तय करने लगते हैं। इसी वजह से आज ऐसे लोगों के हौसले बात थी और नफरत का एक भाव उत्पन्न हुआ था, तो घृणा होती है ऐसे लोगों से इस तरह की घटनाओं को देखकर। और मैं पूरी तरह से इस बात से आश्वस्त हूँ कि जो कानून है उनको बहुत त्वरित तरीके से न्याय के प्रक्रिया में पूर्ण किया जाना चाहिए, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। जेल में रहते हैं, जेल से निकलते हैं, प्रताड़ना करते हैं, आपने देखा हत्या कर दी, नहीं तो गवाहों को तोड़ लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। तो जब तक ये 2-3 महीने के अंदर प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, प्रारंभ से लेकर अंत तक, तब तक इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी नहीं। मैं समझती हूँ कोई बहुत आवश्यक बदलाव हमें करने पड़ेंगे पूरी व्यवस्था में। आप वो तो हुआ तो बहुत ही गंदा हुआ, मगर साथ साथ जो अपना चित्रकूट में थाने में हुआ, शर्म की बात है। और हम इस चीज को हाउस में नहीं उठा पा रहे, इसके ऊपर डिस्कशन अलाउड नहीं है, ये क्या हो रहा है? और अगर हम बहुत सख्त शब्द यूज करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था।
आपने बहुत कठोर शब्द यूज किया, क्या करें, ये तो फीलिंग है हमारे अंदर की, क्या करूं मैं। अरे उत्तर प्रदेश में कहां सुरक्षा है, किसी की सुरक्षा नहीं है। अभी आपको घटनाएं बताऊंगी उत्तर प्रदेश की, तो आप है बहुत कठोरता पूर्वक उस घटना से निपटने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हर बेटी की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इस प्रकार घटना करने वालों को कठोर से कठोर सजा देंगे। मुझे कार पर यह कलंक है, आईडी नीचे करो। निश्चित रूप से जब घटना हुई थी, घटना में जो लोग दोषी थे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो 2 महीने के अंतर में वो कैसे छूट गए। सरकार का अपराधियों के प्रति संरक्षण प्राप्त है। दुष्कर्म की घटनाएं जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं, अरे यार ये हाथ पता नहीं कौन है। सर अनुरोध करेंगे कि अपने नाम के सामने योगी लिखना बंद कर दीजिए, भगवा कपड़ा पहनना बंद कर दीजिए। अगर आपके राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपके पार्टी के विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, आपके कार्यकर्ता बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे और जब बेटी न्याय मांगेगी तो उसको जिंदा जला देंगे, ये कौन सा राज है। मुझे लगता है कि मोदी जी को भी शर्म नहीं आ रही है। पूरे देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है। समाजवादी और उसने कहा बचाओ बचाओ, तो हमने कहा कौन, तो उसने कहा हम रामकिशन लोहार की बिटिया हैं। उसके बाद हम डर गए, उस समय वो जली हुई थी। हाँ जली हुई थी, वो जली हुई थी, हम डर गए कि ये चुड़ैल है, तो हम भागे पीछे, पीछे डंडा उठाया, कुल्हाड़ी पूरी की आवाज ले आया, कुल्हाड़ी लाओ, तो वाकई हम रामकिशन की बिटिया हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।